हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे सामने है 2023 सुजुकी एक्सेस 125 और ये इसका आइस ग्रीन कलर है और ये टॉप ऑफ द लाइन में आता है क्योंकि इसमें आपको मिलता है सुजुकी राइड कनेक्ट, जो इसका ब्लूटूथ बेस्ड कनेक्शन है वो मिलता है। और बाकी इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,09,000 है। और इसका जो वेरिएंट स्टार्ट होता है सुजुकी एक्सेस का, जिसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं और ड्रम ब्रेक मिलते हैं, उसका प्राइस शुरू होता है 98,000 से। और क्योंकि ये टॉप ऑफ द मॉडल है तो इसका प्राइस है 1,09,000। और इसमें आपको 14 कलर मिल जाते हैं और ये इसका आइस ग्रीन कलर है और ये थोड़ा फंकी कलर है, थोड़ा स्पेशल एडिशन है क्योंकि इसका और एक स्पेशल एडिशन आता है जिसमें आपको मैट ब्लू मिलता है और उसको सुजुकी बोलता है स्पेशल एडिशन। इसको नॉर्मल जो आइस ग्रीन कलर बोलता है, पर ये भी एक जैसा स्पेशल एडिशन है क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में ये कलर देखने नहीं मिलता है, पर ठीक है। और तो अभी आपको एक 360 डिग्री लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। और हवा थोड़ी तेज चल रहा है तो उसको इग्नोर कर देना, मेरे को पता नहीं कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है हवा का। तो एक 360 लुक देख लो। तो अभी फ्रंट से शुरू करते हैं, ये है ओवरऑल लुक फ्रंट से। और इसमें आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है और इसका जो हाउसिंग वगैरह इस क्रोम फिनिश में है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। बाकी मिरर भी क्रोम में फिनिश है। और नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर आपको जो पायलट लैम्प मिल जाता है ये भी एलईडी में है। बाकी इंडिकेटर जो हैलोजन बल्ब में है। और बाकी ये वाला पार्ट आपको मेटल में मिल जाता है, ये वाला फाइबर है और साइड वाला मेटल है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और सुजुकी है जापनीज, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और भाई देखो ये मैट गिर गया भाई, और ये सस्ता सा जुगाड़ है, ये कंपनी का नहीं है। और मेरे भाई ने इसको ऐसे ही लगा दिया, इसको मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। और अभी आपको नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको फ्रंट में 12 इंच का व्हील्स मिलता है और इसका जो साइज है वो है 90x90 सेक्शन का है और ये 12 इंच का व्हील्स है। अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको और ये 5 स्पोक में है। और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है और रियर में आपको ड्रम। और ये तो हो गया, बाकी साइड लुक देख लो ये होता है। बाकी पीछे की तरफ आते हैं, इधर आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट भी क्रोम में फिनिश है, तो आपको एक जो प्रीमियम लुक मिलता है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलता है क्योंकि क्रोम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ होता है, तो बहुत ही आई कैंडी है, आपको आई अट्रैक्ट बहुत करता है। और जो एक्सेस 125 लिखा है वो भी जो 3D में है और ये क्रोम फिनिश में है, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। और पीछे की तरफ आए तो इधर आप देख सकते हैं ये E20 कंप्लाइंट है, तो आपको पता होगा E20 और OBD2 कंप्लाइंट है। और बाकी इसका जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप है वो बाहर मिलता है, पर ये वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते आप, एक्सेस में ये एक्सेस आप उधर से नहीं कर सकते, आपको उतर के आना पड़ेगा। और बाकी ये वाला जो कैप है ना ये पूरा निकल जाता है, इसको कंपनी को थोड़ा फिक्स करना चाहिए था, मतलब वहीं से दे देते वरना एक क्लिक में खुल जाता, वो वाला देना चाहिए था। और भाई देखो ये बुलेट वाले ने कितना परेशान करके रखा है, मतलब परेशान तो नहीं, डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो आपको हैलोजन बल्ब टेल लाइट मिलता है जो कि ठीक है, चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है उतना ज़्यादा। और इंडिकेटर तो आपको मिलते हैं। बाकी इस तरफ आते हैं, आप सीट देख लो, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है और लंबाई भी, माफ़ करना लंबाई और चौड़ाई, तो आप आराम से पिलियन के साथ चल सकते हैं। वैसे भी जो स्कूटर वगैरह होते हैं जो सिटी वगैरह के लिए होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल राइड ये देता है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो ये है 124cc का SOSC सेटअप और ये 2 वाल्व है और ये प्रोड्यूस करता है 8.7 bhp और 10 Nm का टॉर्क। और पावर वाइज कैसा है पिकअप वगैरह अभी हम चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये देख लो, बाकी ये हो गया जो किक स्टार्ट मिलता है इसमें आपको। बाकी पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल तो नहीं है, देखते हैं, और पर आपको अच्छे राइड वगैरह दे देते हैं, अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। बाकी फुट रेस्ट इधर आपको मिल जाते हैं
और अभी आते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। अरे भाई ये फिर से उड़ गया, उसको वहीं पर रहने दो, मैं जब जाऊँगा उसको ले जाऊँगा। बाकी इधर आपको USB चार्जिंग मिल जाता है, तो आप ऑन दी वे अपना जो फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और इधर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, जिसमें आप अपना जो चार्ज करने के बाद फ़ोन यहाँ भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया, बाकी इधर एक आपको हुक मिल जाता है, और इधर नीचे, हाँ नीचे भी मिलता है। और बाकी वो ये इधर आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो चाबी ऑन करता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड जो इंजन किल स्विच और स्टार्टर बटन, इसको इंटीग्रेटेड करके एक ही बटन में अभी मिलता है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये अभी ऑन है इग्निशन, और जैसे ही मैं इसको ब्रेक दबा के थोड़ा सा नीचे को, ओ सॉरी, इसमें आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर ही मिलता है, तो इसके लिए स्टार्ट नहीं हुआ। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखो स्टार्ट हो गया। तो ये एक ही बटन से ऑपरेट होता है, जो कि बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा तामझाम का काम नहीं है। बाकी इधर आपको मिलता है अपर डिपर इंडिकेटर, और ये हो गया हॉर्न। हॉर्न थोड़ा सा ऐसे बच्चे जैसा हॉर्न है, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है। बाकी मिरर ठीक ठाक है, राउंड सा है और ठीक ठाक दिख जाता है, पर मेरा थोड़ा बाइसेप ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे पीछे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। छोड़ो यार, अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो इधर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इसमें आपको टाइम मिलता है, ये हो गया जो, सॉरी एंगल थोड़ा ख़राब है, अभी इधर से देख लो, ये हो गया टाइम, और ये हो गया फ्यूल, और ये हो गया स्पीडोमीटर, और इधर क्या, हाँ इधर इंजन का जो क्या बोलते हैं उसको, इंजन लाइट है, और इधर हो गया जो ओडोमीटर, और BT पेयर मोड, तो आप इसमें BT भी मतलब ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो अपना फ़ोन से, और उसके बाद अपना जो कॉल मैसेज बाकी जितने भी होते हैं स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन वो सब कर सकते हैं। बाकी इधर मोड पे चलते हैं, तो ये मोड बटन सिर्फ जो ब्लूटूथ को एक्टिव करने के लिए ये बटन है, बाकी उतना ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका। बाकी क्या हो गया, हाँ ट्रिप भी, थोड़ा धूप पड़ रहा है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ये हो गया बैटरी वोल्टेज, आप देख सकते हैं 12.6, और ये हो गया मेन जो ओडोमीटर, सिर्फ 468 किलोमीटर चला है, तो पूरा नया व्हीकल है ये। और अभी अभी मेरे एक भाई ने इसको डिलीवरी लिया है, और ये हो गया सारे जो फीचर्स के बारे में मैंने बात कर दिया। बाकी ये जो ब्लूटूथ वाला फीचर्स मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं होता है, सिर्फ नाम का फीचर्स होता है। क्योंकि मुझे कोई एक बता दो जो इस फीचर को यूज़ किया है, मैं मान लूँगा भाई ये यूज़फुल है। भाई देखो, उससे ज़्यादा अच्छा आप ये कर लो कि, अरे भाई रुको थोड़ा, अपना जो फ़ोन एक ये इसमें लगा लो, ये हो गया सेट। भाई देसी जुगाड़ है, इधर भी घास है इधर भी घास है। बाकी अभी चलते हैं, और थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अरे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है। तो इसका जो डिक्की का स्टोरेज वगैरह मैं आपको दिखाना भूल गया था, और अभी देख लो आप इसमें आपको कितने लीटर का मिलता है, और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी जो इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलअप तो आपको बाहर मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको आप उधर से एक्सेस कर सकते हो पर इसको नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे मतलब मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो लेट्स गो। बाकी एक और बात मैं जो बोलना भूल गया वो ये है कि इधर आपको जो इको, और जैसे कि अभी देखो इधर आपको मिल जाता है जो इको का साइन, और उसके ऊपर मिल जाता है इंजन चेक लाइट, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका उधर साइन आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा अभी FI में है तो फ्यूल इंजेक्टेड, तो हाँ। और एक जो बात, ये OBD2 को सपोर्ट करता है, तो आपको पता होगा OBD2 में आप अपना इजीली जितने भी गाड़ी का जो प्रॉब्लम वगैरह है इजीली चेक कर सकते हैं, तो ये एक बात अच्छा है। बाकी अभी चलाते हैं इसको, थोड़ा भगा के देखते हैं। अरे भाई इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एक चीज़ जो मेरे को पहले से ही मतलब थोड़ा सा चलते ही पता चल रहा है, जो कि है रिफाइनमेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिफाइनमेंट है इसका। और ये थोड़ा जो इतना ज़्यादा मतलब ये पतला सा रोड है, अभी आगे जाएंगे
पहले बात कर लेते हैं थोड़ा इस गाड़ी के ऊपर। तो ये एक ऐसा मतलब स्कूटर है जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था, और ये वन ऑफ दोज 125 सीसी स्कूटर है। वन ऑफ दोज क्या बोल रहा हूँ, ये पहला स्कूटर है जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। और मैं इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं हूँ, पर मुझे जितना लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अप्रिशिएट कर देना, मतलब करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये लॉन्च हुआ था 2007 में, और ये तब से ये मार्केट लीडिंग है 125 सीसी सेगमेंट में। इससे ज़्यादा कोई ना बिकता है, ना कोई इसका मतलब कोई मुकाबला कर पाया है। और अभी इसका कंपटीटर के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे स्कूटर अवेलेबल है, और ये पहले जब था तो कोई नहीं था, बट अभी 2023 में बहुत सारे हैं और उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इनिशियल पिकअप की, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो हेल्दी पिकअप आता है, और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो उतना ज़्यादा स्पोर्टी है। अब जैसे ही आप इसका जो थ्रॉटल खींचोगे ना, देखो आपको पीछे से एक बैकअप मिलता है जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये रोड थोड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरा आवाज़ इससे हो रहा है जैसा, तो और थोड़ा सा रास्ता बचा है, थोड़ा इग्नोर कर दो इस रोड को, मुझे नहीं ओके तो और इधर आप देख सकते हैं जो इकोलाइट में अभी अच्छे से चला रहा हूँ, तो ये इकोनॉमी पे दिखा रहा है। बाकी अभी देखो, बाकी इसका जो ओवरऑल वेट है ना वो 103 केजी है, मतलब 103 किलो का, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहा है। और इसको जो सिटी वगैरह में मनूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अभी बात करते हैं आगे इसके ब्रेक के बारे में। तो इसमें फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, और पीछे आपको जो ड्रम सेटअप मिलता है। और अभी बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। और इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे है, और जो रियर वाला है वो थोड़ा हार्ड साइड पे है। उससे क्या होता है कि कम्फर्ट अच्छा तो मिलता है, पर रियर सस्पेंशन थोड़ा हार्ड रखने से ये होता है कि आपका हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें ऑफ रोडिंग होते हुए देखो एक्सेस में, थोड़ा मैं अच्छे वाले रोड पे चला जाऊँ फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। क्या क्या होता है ना कि जो हम लोग शूट का मतलब जो इसका जो वॉल का राउंड वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी खाली स्पेस चाहिए जहाँ पर कोई नहीं हो। अभी आ चुके हैं अच्छे वाले रोड पे, और शुरू करने से पहले आपको पता होगा मैं इधर से क्या करता हूँ कि जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल है 0-80 या उसका रन करता हूँ। तो आप लोग ये ट्राई मत करना, क्योंकि मैं ये बोल तो देता हूँ पर आपके लिए भी वो सिचुएशन मैच करने चाहिए, जैसे कि अच्छा वाला रोड और आपके अंदर वो वाली क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। हम कोई भी स्पीड को प्रमोट नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको दिखाते हैं, पर ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कभी आपको दूसरे दिन बताऊंगा। तो अभी चलते हैं इसका एक जितना जाएगा 0-80 जब तक जाएगा इसका एक टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा रोड क्लियर होने दो, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, थोड़ा रोड क्लियर होने दो फिर जाएंगे। तो चलते हैं इसको लॉन्च करते हैं। वाह भाई, इनिशियल पिकअप जो है इसका ना बहुत तगड़ा है, और एक टाइम पे जाने के बाद ये फ्लैट हो जाते हैं, मतलब इसका जो पावर वगैरह। तो ये अभी 80 चढ़ चुका है, और कितना आगे देख लेते हैं। ओ आगे थोड़े लोग आ चुके हैं, हमें रिस्क नहीं लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी जब तक आपका कॉन्फिडेंस है तब तक चलाओ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि धीरे चलाओ, पर जितना आपका कॉन्फिडेंस है उतना ही चलाओ। अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कभी भी मत जाओ। और अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हो रहा है कि मैं इधर से नहीं निकल सकता हूँ, इतना तेज नहीं चलाना चाहिए, तो वहाँ पर रुक जाओ, उससे ऊपर मत जाओ। यही गलती सब करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उससे ऊपर मत जाओ। पर गाड़ी के ऊपर आते हैं, तो
अभी इसका जो मिड रेंज के बारे में बात करते हैं, तो इसका मिड रेंज के ऊपर बात करते हैं, तो इसका मिड रेंज पिकअप बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इधर आप देख सकते हैं। पर हाँ, इस एक टाइम पे बाद 60 के आसपास जाने के बाद ये पूरा फ्लैट हो जाता है, मतलब इसमें कोई उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता है। जैसे अभी बात करते हैं ब्रेक की, तो पिछला वाला ब्रेक आपको बता देता हूँ, ठीक है ड्रम पे तो उतना ज़्यादा आपको ये नहीं मिलता है। अभी इधर फ्रंट ब्रेक इसका टेस्टिंग करते हैं कैसा है। फ्रंट ब्रेक भाई बहुत ही अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसका अभी बात करते हैं जो माइलेज के बारे में, क्योंकि सुजुकी क्या करता है ना, वो इसका एडवर्टाइज ऐसे करता है कि सुजुकी एक्सेस कम पीता है। कितना पीता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो मेरे भाई इसको यूज कर रहे हैं ना, वो भी बोल रहे थे इनको अभी ओवरऑल देखो, वो भी हाईवे पे तो नहीं जा रहे, और जो ओवरऑल इनको 55 मिल रहा है। और मेरे को जो लगता है इसका माइलेज के बारे में, जो कि आप एक सिटी कंडीशन में 45 टू 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हाईवे वगैरह पे आप 55 भी, मतलब 50 से 55 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी है सुजुकी का, वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो अभी बात करते हैं आपको ये स्कूटर लेना चाहिए या नहीं। देखो भाई, प्राइसिंग वगैरह ना इन सबका मतलब आसपास है, जैसे कि जुपिटर 125 और एक्टिवा 125 सब कुछ सेम है, बस जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। जैसे कि देखो, जुपिटर हो गया, वो हो गया अपना इंडियन ब्रांड, तो उसका पार्ट्स वगैरह थोड़ा आपको चीप मिलेगा, इसका थोड़ा आपको मतलब प्राइजर साइड पे मिलेगा, और इसका क्वालिटी भी अच्छा है तो आपको थोड़ा प्रीमियम मिलेगा। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब उससे कंपैरिजन में ये आपको बहुत ज़्यादा इंजन वाइज आपको जो रिलायबल मिलेगा उन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सुजुकी जाना जाता है जो रिलायबल के लिए। और ओवरऑल ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रोडक्ट है, आपको पता होगा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बिकता है, और ये किंग है इस सेगमेंट का। और बाकी इसका ब्रेक अच्छा है, माइलेज अच्छा है, पिकअप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल एक जो बोलता हूँ ना, एक फैमिली स्कूटर के हिसाब से ये बहुत ही सही है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और लेग रूम वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही सही है। और मेरा हाइट 6.2 है, और इधर देख सकते हैं मेरे पास इतना जगह अभी बाकी है, और लेग रूम भी आप देख सकते हैं इतना है। और ठीक है भाई, हम थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, बाकी वीडियो को लाइक करो। अगर ये वाला वीडियो अच्छा नहीं लगा तो चैनल पे और भी वीडियो है, आप उसको देखो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं, हम अचानक से किसी एक का वीडियो देख के हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप भी करो, क्योंकि ऐसे अचानक कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है, हम भी नहीं करते, तो आप भी देखो चैनल पे और सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, डोमिनार के, उसके बाद NS 200 2023 और NS 160 220F सबका वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखो और सब्सक्राइब करो। बाकी इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।